ये जो है कुंभ में अप्लाई नहीं होता है, कुंभ वाले को कुंभ वाले के साथ में शादी आप नहीं करवा सकते हैं। लग्नेश में थोड़ी प्रॉब्लम है तो नवांश में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आज हम समझेंगे कि किस राशि वाले को किस राशि वाले के साथ में शादी अगर करवाते हैं या शादी करते हैं तो उसके लिए परफेक्ट होता है। सबसे पहले आपको राशि पता होगा, अगर राशि पता नहीं है तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, और कुंडली मिलाते वक्त में हमें किस किस चीज की जानकारी होना चाहिए। पहले हम राशि के बारे में बात कर लेते हैं, किस राशि के साथ में किस राशि का अगर शादी कर दिया जाए तो वो परफेक्ट होता है। सबसे पहले राशि जो होती है, जिस घर में आपका चंद्रमा बैठा होता है, जैसे पहले घर में चंद्रमा है, दूसरे घर में चंद्रमा है, पहले घर में चंद्रमा है तो यहाँ पे नंबर के हिसाब से देख लीजिए आपकी मेष राशि है। अगर सपोज कि छठे घर में राशि है तो छठे घर में चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपकी कन्या राशि है। अगर दसवें घर में बैठा हुआ है तो आपका मकर राशि है। ये हम राशि के बारे में हमने बात किया, दसवें और ग्यारहवें मकर और कुंभ राशि होगी आपकी। अब हम परफेक्ट जोड़ी की अगर हम बात करते हैं तो मेष राशि वाले को सबसे पहले कुंभ राशि वाले के साथ में अगर हम शादी करवा देते हैं, कुंभ राशि वाले के साथ में अगर शादी करवा देंगे तो ये बहुत ही अच्छा उसका जोड़ी जमेगा। दूसरा है वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले को कन्या राशि वाले के साथ में शादी करवाना बहुत ही अच्छा होता है। अगर कोई वृषभ राशि अगर आता है तो कन्या राशि के साथ में अगर शादी करे तो अति उत्तम कहलाया है। मिथुन राशि, मिथुन राशि में तुला राशि, तुला राशि वाले के मिथुन राशि का कोई लड़का है या तुला राशि की कोई लड़की के साथ में शादी करा देंगे, या तुला राशि का कोई लड़का है तो मिथुन राशि वाले लड़की के साथ में शादी करवा देंगे। कर्क में मीन राशि, कर्क राशि वाले लड़का है, अगर लड़का है मीन राशि की लड़की है, या मीन राशि का लड़का है कर्क राशि का लड़की है तो भी हम उसका शादी करवा सकते हैं। अब आता है सिंह, इसमें धनु राशि, सिंह राशि वाले को धनु राशि के साथ में शादी अगर करवा देते हैं अति उत्तम शास्त्रों के हिसाब से बताया गया है। उसके बाद आता है मकर राशि, कन्या राशि वाले के साथ में मकर राशि का जो है आप शादी करवा देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा उसकी चलने की संभावना होती है। उसके बाद आता है हमारा तुला, तुला का जो है मिथुन राशि वाले के साथ में अगर हम शादी करवा देते हैं तो भी बहुत अच्छा होता है। तुला वाले का अगर मिथुन राशि के साथ में शादी करवा दे, देखिए इसमें थोड़ा सा जो है आप मिथुन राशि में आप मीन भी जा सकते हैं, मीन राशि वाले के साथ में, मिथुन राशि में मीन राशि के साथ में भी अगर शादी करवाएंगे तो ये अच्छा ही रिजल्ट लेकर देगा। अब आता है आठवां वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में आता है कर्क राशि, इसका कर्क राशि के साथ में अगर हम शादी करवा देते हैं तो अति उत्तम होता है। उसके बाद आता है धनु राशि, धनु राशि में आता है हमारा मेष राशि, धनु राशि की लड़का है या लड़की है तो उसको मेष राशि वाले के साथ में अगर हम शादी करवा देंगे तो ये अच्छा से उसका काम करेगा। उसके बाद आता है मकर, देखिए मकर में भी दो राशि आता है, मकर में एक राशि जो आता है वो आता है वृषभ राशि और मकर खुद रहेगा। मकर को जो है आप वृष राशि के साथ में या वृषभ राशि के साथ में शादी करवा सकते हैं और मकर वाले को मकर वाले के साथ में भी शादी करवा सकते हैं, लेकिन ये जो है कुंभ में अप्लाई नहीं होता है, कुंभ वाले को कुंभ वाले के साथ में शादी आप नहीं करवा सकते हैं। कुंभ में जो होगा वो मिथुन राशि वाले के साथ में आप शादी करवा दीजिए, बहुत ही अच्छा काम करेगा। और मीन राशि में जो है आप वृश्चिक राशि वाले के साथ में शादी करवा सकते हैं, मीन राशि का जो है वृश्चिक राशि के साथ में शादी करवा दीजिए, बहुत ही अच्छा बनेगा। ये तो हमने राशि के हिसाब से आपको बताया, लेकिन जब भी आप कुंडली की बात करते हैं, जब कुंडली मिलान की बात करते हैं राशि की दोनों लड़का या लड़की का, तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि लड़का का अच्छा योग कौन सा है और लड़की का अच्छा अच्छा योग कौन सा है, ऐसा योग जिससे प्रॉब्लम ना हो, जिससे संतान की उत्पत्ति, फाइनेंशियल स्टेटस, तीसरा कोई अचानक मृत्यु या कोई मेजर बीमारी न लड़का में हो या न लड़की में हो, ये कॉमन बात है। हम जब भी चार्ट देखते हैं तो ये चीज हमको देखना होता है। देन आता है कि दोनों का सप्तम घर अच्छा होना चाहिए, चाहे वो नवांश का हो चाहे वो लग्नेश का हो। अगर लग्नेश में थोड़ी प्रॉब्लम है तो नवांश में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर नवांश में प्रॉब्लम है तो लग्नेश में नहीं होना चाहिए। ये चीज उस आदमी पर भी अप्लाई करेगा जिसका 36 से 36 गुण मिलता है। अगर ये सब कंडीशन देखते हैं ना, हमने ऐसे बहुत से चार्ट देखा है जिसमें 18 गुण मिल रहा है, 16 गुण मिल रहा है, लेकिन दोनों का सप्तम घर अच्छा है, यानी कि राशि भी अगर
कंजस्टेड नहीं है, दोनों का सप्तम घर अच्छा है, अच्छा तरह से शादी चल रहा है, लेकिन 36 में 36 गुण मिलने के बाद भी आदमी में प्रॉब्लम होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो कुंडली जब हम किसी भी जातक का मिलाएंगे तो बहुत कुछ हमें देखना होता है। ऐसे तो हमने परफेक्ट जोड़ी बता दिया आपको राशि के हिसाब से कौन सा राशि है और आपकी राशि क्या है, आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के में, और अगर आप एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वास्तु केमिस्ट्री अगर सीखना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, या नीचे ऐप का लिंक है, आप उसे डाउनलोड करके सीधा पढ़ सकते हैं। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, धन्यवाद। दोस्तों अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं।